आज की इस वीडियो में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्मों सितम की कहानी। स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉटिस पर। बात शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। बादशाह अकबर की मौत से 5 साल पहले यानी वर्ष 1600 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस समय कंपनी की कुल लागत 72,000 पाउंड थी। सन 1743 में 17 वर्षीय क्लाइव भारत के मद्रास पहुंचता है। इसी ने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव डाली थी। भारत के एक प्रसिद्ध लेखक एमजे अकबर ने अपनी किताब डुलाली साहब एंड द ब्लैक जमींदार में 200 वर्षों तक लगातार भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्मों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि डुलाली साहब शब्द अंग्रेज सिपाहियों के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके पीछे की कहानी ऐसे है कि बंबई में एक जगह का नाम है दुलाली, और इस दुलाली में अंग्रेजों ने एक मिलिट्री कैंप बनाया हुआ था। उस कैंप में वो अंग्रेज सिपाही इकट्ठा होते थे जिन्हें 8 से 10 साल के बाद घर जाने का मौका मिलता था, और फिर वह भारत के अलग अलग जगह से वहाँ इकट्ठा होते थे और फिर वहाँ से जहाज से इंग्लैंड ले जाया करते थे। और जब ये अंग्रेज सिपाही लोग इस कैंप में इकट्ठा होते थे तो इस तरह से इनकी छुट्टियाँ शुरू हो जाती थी और ये सुबह से नशे में धुत होकर अय्याशी करने लगते थे, तो वहाँ के लोग इन्हें डुलाली साहब कहने लगते थे। और फिर वह बताते हैं कि ब्लैक जमींदार के बारे में कि वो लोग होते थे ब्लैक जमींदार जिनके सारे अंग्रेज व्यापारी अपने बातों को भारतीयों के सामने रखते थे, और जब अंग्रेज हुकूमत बनी तो अंग्रेजों के सबसे बड़े सहायक के रूप में ये ब्लैक जमींदार उभर के आए। एक अनुमान के आधार पर ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1770 से 1915 तक भारत को 22 बड़े सूखे का सामना करना पड़ा। साल 1769 में ना के बराबर मानसून से बारिश हुई, जिसके चलते सूखे ने बंगाल की 1/3 से आधी आबादी को निगल लिया। स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि लोग अपने अपने बच्चों को बेचने लगे, लोग मरे हुए लोगों का मांस खाने लगे, और इतनी भुखमरी में ईस्ट इंडिया कंपनी में भूमि कर पर 10% लगान बढ़ा दी। एक लेखक जॉन नी ने अपनी किताब द ऑनरेबल कंपनी में लिखा कि साल 1770 के दौरान लोग लगातार मरते गए, लोगों ने अपने मवेशी और खेती के औजार तक बेच दिए, वो लोग बोए जाने वाले बीज तक खा गए, अपने बेटे बेटियों को बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें भी कोई खरीदने के लिए तैयार ना था। लोग पेड़ों के पत्ते और घास खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे, सड़कों पर मरे हुए लोगों का अंबार लग गया था। 3 नवंबर 1772 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक पत्र लिखा कि इतनी भुखमरी के कारण भी 1/3 से अधिक आबादी के मर जाने और ना के बराबर खेती होने पर भी 1768 के राजस्व से भी अधिक 1771 में राजस्व प्राप्ति हुई। हेस्टिंग ने बिना झिझक के ये भी स्वीकार किया कि राजस्व जमा करने के लिए हर तरह की हिंसा और हथकंडे को आजमाया गया था। साल 1772 से 1773 में हाउस ऑफ कॉमन्स की सेलेक्ट कमेटी ने यह अनुमान लगाया था कि क्लाइव ने और उसके साथियों ने 1757 से 1765 के बीच बंगाल के कठपुतली नवाब से 2,00,000 पाउंड वसूले थे, और जब क्लाइव भारत से वापस गया तब उसके पास 1,80,000 पाउंड थे और एक जागीर भी थी जिससे सालाना 27,000 पाउंड की आय होती थी। क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसी ताकतवर कंपनी बना दिया था जो 2 करोड़ लोगों पर राज कर रही थी और जिसके पास 50,000 सैनिकों की सेना थी और जिसे 5 से 6 करोड़ के बीच वार्षिक राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। वर्ष 1720 से 1726 के बीच कलकत्ता के डिप्टी कलेक्टर रहे गोविंद राम मित्रा, जिन्हें अंग्रेजों ने पहला काला जमींदार नियुक्त किया था।
वो राजस्व वसूल करने के लिए अपनी छड़ी का प्रयोग किया करता था। बंगाली भाषा में गोविंदो रामो छड़ी शक्ति का प्रतीक बन गया। अंग्रेजी हुकूमत में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर था। 11 मार्च 1775 को गवर्निंग काउंसिल को महाराजा नंद कुमार ने एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स पर कुछ नियुक्तियां करने के लिए उनसे और मीर जाफर की विधवा से 45,000 पाउंड रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उसके बाद उल्टा ब्रिटिश सरकार ने महाराज नंद कुमार पर 19 अप्रैल 1775 को षड्यंत्र करने और 6 मई 1775 को दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हेनरी वेस्टिज ने अपनी किताब इकॉस फ्रॉम ओल्ड कलकत्ता में लिखा कि जज एलिजा इम्पी ने महाराज नंद कुमार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। महाराज नंद कुमार को 7 अगस्त 1995 को सुबह 8 बजे फोर्ट विलियम के पास फांसी दी गई, जिसे देखकर वहां इकट्ठा हुए लोग रोने और विलखने लगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने एमपी को खुश करने के लिए उसके एक साथी को पुल की मरम्मत के लिए 4,20,000 रुपये का ठेका दिया। वहीं पिछले साल इसी पुल की मरम्मत के लिए 25,000 रुपये का ठेका दिया गया था। तभी से कलकत्ता वासियों ने जस्टिस सर एमपी को जस्टिस पुलवंदी कहना शुरू कर दिया था। नवाबों की नकल करते हुए अंग्रेजों ने भी नौकरों की फौज रखना शुरू कर दिया और नौकरों की तनख्वाह और उसमें बढ़ोतरी को ना के बराबर रखा, और इस तरह से भी जुल्मों सितम की एक नई तरकीब को अंग्रेजों ने खोज निकाला। एक लेखक विलियम्स मैंगस्टोन 1770 के एक अंग्रेज साहब की दिनचर्या का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सुबह 7 बजे गेट और बरामदा खोलने के लिए दरबान आता है और फिर चपरासियों, चौबदारों, हरकारों, हुक्काबरदारों और खान साहबों की आवाजाही शुरू हो जाती है। साहब 8 बजे अपने पलंग छोड़ते हैं, जमादार आता है और सभी लोग लाइन से 3 बार झुककर सलाम करते हैं। आधे घंटे बाद नौकर चाकर उन्हें कपड़े पहनाते हैं, फिर नाई हजामत बनाता है, नाखून काटता है और कान साफ करता है। फिर साहब तैयार होकर अपने नाश्ते की टेबल पर पहुंचते हैं, फिर खान सामा उन्हें चाय और टोस्ट सर्व करते हैं। रात को जब अंग्रेज साहब अपने बेडरूम में जाते हैं तो उनके मनोरंजन के लिए एक महिला भेजी जाती है। 1840 में एक पेंटर विलियम टेलर ने एक पेंटिंग बनाई थी, जिसमें उसने एक ब्रिटिश साहब को टॉयलेट सीट पर बैठे दिखाया, जिनके सीट के पीछे नाई खड़ा होकर उनके बाल काट रहा है। एक खान सामा हाथ में चाय की प्याली लिए हुए, दूसरा नौकर आईना दिखा रहा है और एक आदमी जमीन में नीचे बैठकर उनके पांव दबा रहा है और एक नौकर पंखा कर रहा है। 1857 जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई असफल हो जाती है, उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से सभी अंग्रेजों के लिए एक सरकारी फरमान जारी होता है कि अंग्रेज सिपाही जिसे चाहे मार सकते हैं और फांसी पर टांग सकते हैं, और क्रूरता की हद तब हो गई जब उल्टा इल्जाम भारतीयों मर दिए गए कि यह सब भारतीयों ने किया। यह सब 1857 के बाद 1.5 साल तक चला। टाइम्स अखबार के एक संवाददाता सर विलियम रसल ने 23 फरवरी 1859 में अपनी डायरी में लिखा कि लोगों को बिना किसी कारण के जान से मार दिया गया। 2 दिनों के अंदर 42 लोगों को फांसी दे दी गई, गांव के गांव जला दिए गए। 19 नवंबर 1959 टाइम्स के एक अंक में अपने अनुभव को बताते हुए माउंटेन माउंट गिवरी ने बताया कि मैंने 14 औरतों की लाशों को देखने के बाद दिल्ली की सड़कों पर निकलना बंद कर दिया। उन औरतों के पतियों ने उनके सर इस डर से काट दिए कि कहीं ये अंग्रेज सिपाहियों के हाथ न पड़ जाएं। अंग्रेजों के जुल्मों ने एंग्लो इंडियन को भी नहीं छोड़ा। अंग्रेज अधिकारियों ने 2 नस्लों के बीच यौन संबंधों को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। वर्ष 1895 में डॉक्ट्रिन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने साफ घोषणा कर दी कि एक नस्ली लोग चाहे वो अंग्रेज हों या भारतीय, वह अंग्रेजी सेना को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 2 नस्ली वाले लोग पूरी तरह से अंग्रेजी सेना में बैन। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि एंग्लो इंडियन को अंग्रेज अपने मित्र की तरह तो यूज़ करते थे, लेकिन उन्हें कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया।